नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी नेट न्यूज। देर शाम दोरीगढ़ कस्बे में जब संत रविदास का जुलूस कस्बे से आजमगढ़ रोड स्थित संत रविदास मंदिर की तरफ जा रहा था, तो उसी बीच जुलूस में बजरंग दल की बस देवरिया अधिवेदन से लौट कर आ रही थी कि पास लेने के दौरान हाक टाक हो गई। विवाद इतना बढ़ गया, उपद्रवियों द्वारा बस पर पथराव कर दिया गया, जिससे बस के अंदर बैठे बजरंग दल के कार्यक्रम से लौटे हुए कई कार्यकर्ता घायल हो गए, जबकि बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घायलों के साथ बस के अन्य लोग भी सड़क पर बैठ गए। उक्त घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष दोरीघाट लाठी भाजकर भीड़ को तितर बितर किया। वहीं मौके से कुछ लोगों को पुलिस पकड़कर अपने साथ ले गई। पुलिस ने रविदास जयंती पक्ष के 8 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया तथा लगभग 150 की संख्या में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छानबीन में जुटी हुई है। आज 9 फरवरी को थाना दोरीघाट अंतर्गत जब संत रविदास जयंती का जुलूस निकल रहा था, दोरीघाट में प्रायः वैसे भी भीड़ भाड़ रहती है, उसी दौरान देवरिया से आ रही एक प्राइवेट बस जिसमें कुछ यात्री थे वो जुलूस की काफिले को पार कर रही थी। इस दौरान जुलूस में तेजी लोगों ने उसका पथराव किया और इसमें कुछ लोगों को चोटें आई हैं। इस संबंध में गौरव सिंह जो एक यात्री थे उनकी तरफ से मुकदमा थाना दोरीघाट पर पंजीकृत किया गया है। संबंधित लोगों को मेडिकल भी कराया गया है और फिलहाल जुलूस समाप्त हो चुका है। मौके पर शांति है, विधिक कार्रवाई की जा रही है।